अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहु। मैं हूं अली शेर जमाली, आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल फिजान जमाल। आप सब खैर से होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, कहत साली हो और हम लोग जो है परेशान हो, हमारी जो है फसलें जो है जलती जा रही हों, पानी की वजह से पानी की कमी हो और फसलें जो है नुकसान होती हो, यानी जो है इसको पानी ना मिलेगा तो जो है ये फसल ख़राब हो जाएगी। हमारे जो है उस वक्त काफ़ी जो है अफसोस में पड़े हों और उस वक्त आपको क्या करना है, तो उस वक्त जो है रब तबरक तआला के बारगाह में हमें दुआ करेंगे तो रब तबरक तआला जो है हमारी जो परेशानी है, कहत साली जो है वो अल्लाह तबरक तआला जो है दूर कर देगा और फौरन जो है बारिश अता फरमा देगा। तो ऐसा ही आपके सामने मैं एक पावरफुल वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ, इंशाअल्लाह अज़्ज़ल आप उसको करेंगे तो उसी वक्त फौरन ही रब तबारक व तआला बारिश अता फरमा देगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, पंचगना नमाजी जो होना ज़रूरी है। और दोस्तों, आप कुछ इस्लाम भाई ये भी कह देते हैं कि अजमाइश करते हैं कि इस अमल में ऐसी क्या खासियत है, इसको देखते हैं, अजमाइश करते हैं। अगर आप इसकी अजमाइश करेंगे तो रब तबारक व तआला जो है अजमाइश जो करता है तो उसकी जो है दुआ कबूल नहीं होती है। क्यों कि अब जो है रब तबारक व तआला के कौल को झूठा मानकर खुद पर जो है ऐसा घमंड करता है, वो तकब्बुर हसद कर रहा है कि मैं जो है अजमाइश करता हूँ। अजमाइश किसको कहते हैं, यानी मैं जांचता हूँ, रब को जांचता हूँ कि बारिश होती है कि नहीं होती है। ऐसा नहीं करना, अगर ऐसी सोच अगर आप करके इस अमल को, इस वजीफे को करेंगे तो कभी भी बारिश नहीं होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको दिल के अंदर इश्क रसूल होना भी ज़रूरी है। और उसके लिए आपको जो है उस वक्त जो है आपको जो वजीफा मैं आपको बताऊंगा उस वक्त करेंगे तो उसी वक्त जो है रब तबारक व तआला फौरन आपकी दुआ भी कबूल फरमा लेगा। तो ऐसी सोच ना रखें, बल्कि जायज और नेक जो अच्छी सोच दिल के अंदर रख के जो है इस वजीफे को करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल जो है रब तबारक व तआला फौरन बारिश अता फरमा देगा। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करता हूँ मैं उसको पावरफुल वजीफे को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक एक मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो आपको अच्छा याद हो वो आप पढ़ लें और उसके बाद में आपको 61 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। अब आप ये सोचते होंगे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के रोज़ाना वजीफे आते हैं, तो दोस्तों बिस्मिल्लाह की बहुत ज़्यादा पावरफुल वजीफे हैं, बहुत ज़्यादा इसकी फजीलतें हैं, बहुत ज़्यादा इसकी बरकतें हैं, यानी हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फजीलतें, रहमतें, बरकतें, वजीफे जो है ख़त्म नहीं होंगे अगर कोई इस्लामी भाई करना चाहे तो इंशाअल्लाह। अगर आप उस वक्त, बहरहाल मैं पॉइंट पे आता हूँ, आप 61 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और आखिर में जो है एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे और उस वक्त आप रब तबारक व तआला की बारगाह में रो रो के गिड़गिड़ा कर दुआ करने की, या अल्लाह इस अमल खैर के सदके जो है जो मैंने अमल किया है, तेरा मुकद्दस नाम जो मैंने पढ़ा है, इसके सदके मेरे मौला तो रहमत की बारिश अता फरमा दे। तो इंशाअल्लाह मेरा ये ईमान है कि रब तबारक व तआला का कौल कभी भी झूठा नहीं हो सकता, तो इसलिए रब तबारक व तआला उसी वक्त जो है हमारी दुआ को कबूल फरमा लेगा और इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल जो है बारिश फौरन हो जाएगी और हमारी जो परेशानी थी, दिक्कतें थी, जो भी हम जिस परेशानी के अंदर मुबतला थे वो परेशानी हमारी जो है दूर हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वजीफा है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए आप इसे दिल से लाइक कर दें और अपने करीबी दोस्त जो हैं उन तक शेयर भी कर दें। और अगर अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, इसलिए आप हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ मैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक आप मुझे दें इजाज़त। मैं हूँ दुआ का गुजारिश अलशेर जमाली, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।